हेलो, वेलकम बैक एंड बैक टू द बीजीएम गेम न्यू स्ट्रीम। तो कैसे हैं आप सब भाई? यहाँ पर देख लिया जाए प्लेन पाथ की डेस्टिनेशन की सबसे पहले बात की जाए भाई। यहाँ पर जो कि अपन भाई क्वेरी होता है सीधे इनोवा की साइड को निकलता है। डेस्टिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैड मैक्स की यहाँ पर टीम आ चुकी है, एल टू के गोड की टीम आ चुकी है, डाकू डैडी की टीम आ चुकी है, एल टू ए की टीम आ चुकी है, ईगल की टीम आ चुकी है, जी टी एक्स की टीम आ चुकी है, डोली गेमिंग की टीम आ चुकी है, एफ एन सी की टीम आ चुकी है, ओपी की टीम भी आ चुकी है, मुन्ना भैया टी एस एफ की पूरी टीम, एक्वा की पूरी टीम, हाइड्रा की पूरी टीम, किलशॉट की पूरी टीम, एफ एन सी की दूसरी पूरी टीम आ चुकी है, रेड की दो दो टीमें आ चुकी हैं, टी वन हसनैन भाई की टीम आ चुकी है, दी फाल्कन की पूरी टीम आ चुकी है, जोए बोए ब्राउन कुतिया काली कुतिया की पूरी टीम आ गई है। मतलब नाम देख रहे हो भाई, मतलब थोड़ी गोरी कुतिया भी रख लेते भाई एक, मतलब जोए बोए नाम जो उनके टीम के मेंबर्स के हैं उसमें एक गोरी कुतिया भी हो सकती थी। बाकी देखना होगा भाई यहाँ पर अपने आई एन डी टॉक्सिक भाई मिश्र रोके उनके साथ खेल रहे। टी वन की टीम जी टी आर की पूरी टीम आ चुकी है। देखना प्रीमोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा टीमें मेरे ख्याल में जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है प्रीमोस के अंदर लिटरली भाई एक नंबर वहाँ पर टीम उतरी है। जहाँ तक मुझे लगता है एक नंबर की टीम उतरी है, टीम नंबर टू उतरी है वहाँ पर। और एक टीम तो भाई पीछे ही भाग गई जो कि रसूल वन टीम नंबर सेवन के वहाँ पर उतरे थे, वो बैक साइड ही चले गए हैं वहाँ से। टीम नंबर सिक्स भी भाई वहीं पर उतरी है। टोटल तीन टीमें भाई उतरी हैं, देखना होगा कौन सी टीम। और शोरगन भाई चिपका भी चुके हैं अपने एच आर के अब्दुल भाई जोकर 07 को नॉक कर दिया। टीम नंबर टू के एक टीम नंबर सिक्स के आर्म्स की तरफ से वन की आर्म्स की तरफ से नॉक किया गया था और बड़ी जी जोकर 07 के फिंच कर दिया गया। सामने देखना अपने अब्दुल भाई टीम नंबर टू के जो मेंबर्स हैं उनके क्या भाई वहाँ पर उनको फिंच कर पाएंगे। जहाँ पर जो उनके एल टू के गोड हैं एस आर के अब्दुल भाई मेरे ख्याल जाएंगे। स्प्रे गोड भाई को एक साइड से नॉक किया गया है। एक्वा की टीम के आर्म्स की तरफ जो कि टीम नंबर 13 के नाम से वहाँ पर एक साइड से भाई नॉक कर चुके हैं। देखना भाई राजा भाई की एक साइड से भाई फाइट चलती है, मतलब काफी कड़ी यहाँ पर फाइट चलती है भाई टीम भाई को 22 के आर्म्स के बीच यहाँ पर फाइट चल रही है। एक साइड से वहाँ पर देखना भाई उनके स्पार्टन भाई की टीम के आर्म्स वहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नॉक वगैरह भी कर चुके हैं टीम जो कि 22 के आर्म्स यहाँ पर राजा टीम पड़े। और बड़े जबान को फिनिश वगैरह किया गया, उनके गोड भाई को यहाँ पर फिनिश कर देगा जो कि एफ एन सी लीजेंड एस के भाई बड़े यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं। एक बार जैक के ऊपर भाई टीम 22 का जो डेविल टॉक्सी वहाँ पर रश करते। सामने देखना एस आर के भाई पर वापस भाई जो कि मेरे ख्याल देख रहा हूँ नोवो के साइड भाई एक साइड फाइट होती है। मतलब वहाँ पर देख रहे अपने नोवो के अंदर बड़े जबान पर नॉक फिनिश किया गया। टी वन मेरे ख्याल यहाँ पर जो हसनैन भाई वहाँ पर नॉक वगैरह किया गया था। फिर अपने बीजेम आसिफ को फिलहाल देखना वापस जो कि एक बार जैक भाई यहाँ पर डेविल टॉक्सी 22 का नॉक कर चुके हैं। जी टी आर वैक्सी टीम कैप्टन को भाई पर नॉक कर चुके हैं जो मेरे ख्याल टीम 24 के आम्स होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है बड़े इसलिए अपन को फिनिश वगैरह कर जाएंगे वो टीम के जो मेरे ख्याल जो जिस साइड फाइट हो रही होगी। जहाँ तक मुझे लगता है दी फाल्कन बार की जो कि हाइड्रा विश्व बार की एक साइड फाइट चलती है उनकी भाई वहाँ पर देखना अपने हाइड्रा की टीम के जो मेरे ख्याल यहाँ पर टीम नंबर 24 के हमसे हाइड्रा में एक साइड से नॉक पड़े हैं। नोवो के अंदर वहाँ पर एक साइड से नॉक पड़े हैं। फिलहाल देख लिया टीम 14 के हमसे वहाँ पर नॉक पड़े हैं। टी वन कैप्टन भाई वहाँ पर बड़े जिले वैक्सी भाई वहाँ उनको फिनिश वगैरह कर चुके हैं जो कि टीम 24 के मेंबर्स हैं। यहाँ पर मेल्टा के अंदर एक फाइट होती है बड़े जिले वहाँ उनको फिनिश कर चुके हैं। अभी भाई उनके साथ भाई यहाँ पर कुछ टाइम के मेंबर्स हैं, याद रखना भाई यहाँ पर आ गए हैं। कल भाई हमने इनका नाम याद रखा था लेकिन आज देखेंगे भाई इनका नाम कौन कौन याद रखते हैं। जो भाई स्कल आर के को भाई चार्ज नॉक किया गया। स्नैक्स की तरफ से भाई स्कल आर के मिल्टा के अंदर टीम जो थ्री के नाम से यहाँ पर एक चार्ज नॉक हो चुके हैं। एस आर के अब्दुल भाई टीम वन के नाम जो कि प्रीमोस के अंदर थे भाई वहाँ पर उनको नॉक कर दिया। टीम नंबर टू के नाम से तरफ से उनको नॉक किया गया। सॉरी टीम सिक्स के नाम से तरफ से अब वहाँ पर देखा उनकी टीम का मैड मैक्स बाइक टीम को ईगल तोड़ भाई को नॉक करते हैं। ईगल इरफान भाई वहाँ पर बचते हुए जो कि मैड मैक्स बाइक उनको नॉक करेंगे। मैड मैक्स बाइक आप लोग कर सकते हैं क्या इरफान भाई को नॉक करा सकते हैं। पिस्टल उनके हाथों में सामने देखूंगा। स्नैक्स भाई को एक चार्ज वहाँ पर जो भाई यहाँ पर कालीन भैया नॉक कर चुके हैं। मतलब देख रहे हो कालीन भैया वहाँ पर आ गए हैं। स्नैक्स पर भाई वहाँ पर देखना स्नैक्स भाई वहाँ पर बड़े इंस्टेंटली भाई उन्होंने नॉक फिनिश कर दिया गया। तो फिलहाल देखना वन मीटिंग के बाद अपने कालीन भैया मैक्स भाई वहाँ पर जाना जाएंगे। सामने देखना मेरे ख्याल से बैक्सी को फिनिश किया गया दो टीम नाम लेकिन मैक्स भाई आते और कालीन भैया को भाई सीधा ही घर का रास्ता दिखाते हैं। और भाई वहाँ पर देख लिया उनके टीम के हम जो वहाँ पर मैक्स भाई वहाँ पर बचे हैं, याद रखना बचे हैं। बाकी दो टीम के हम भाई यहाँ पर चल बचे उनके। बाकी देखना ओपी की टीम के मेरे ख्याल उनको रश कर सकते हैं। टीम टेन के मेंबर्स हैं वापिस से भाई चल लिया जाए अपने उस टीम के ऊपर जो कि प्रीमोस के अंदर फाइट हो रही थी। जहाँ तक मुझे लगता है टीम नंबर 18 के नाम से काफी ज्यादा क्लोज मे भी भाई टीम नंबर जो 18 के नाम से वहाँ पर जो टीम नंबर 8 के नाम से काफी ज्यादा क्लोज है। डोली गेमिंग रेंजर सचिन टीम नंबर 8 के नाम से यहाँ पर 16 फर्स्ट रखे हैं। मेरे यहाँ पर फोटो वगैरह नहीं दे रहा है मार्कोस भाई टी देखना होगा भाई रेड मोहन भाई उनके ऊपर रश करेंगे। फिलहाल देखना होगा यहाँ पर एक चार्ज उनको भाई देख लिया वापस भाई अपने जो भाई साइड चल लिया जो मेरे ख्याल प्रीमोस के अंदर फाइट हो रही थी भाई वहाँ पर देखना होगा जल्दी। मैड मैक्स भाई वापस एक टीम में नॉक डाल चुके हैं। ईगल तोड़ भाई को वापस नॉक डाला गया। सामने इरफान भाई रश करते हैं। वन एच पी मैड बच कर उनको फिनिश करेंगे क्योंकि बाकी जो उनके टीम के हम से मार्कुस जो भाई वीके है वहाँ पर थोड़ा दूर है जो कि एस आर के अब्दुल है वो भी थोड़ा इतना दूर है। तो फिलहाल देख जाए उनकी टीम और शेल्बी भाई भी हैं तो वहीं पर लेकिन भाई अपनी टीम आपके पास नहीं गए तो मेरे ख्याल वहाँ पर जाएंगे। उन्होंने कहा था अपनी टीम आपके वहाँ पर जो कि बदला वगैरह ले सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। फिलहाल बाकी देखना यहाँ पर वापस जो नोवो के अंदर भाई चलना होगा। नोवो के अंदर जी हाँ थोड़ा क्लोजिंग का मामला था लेकिन भाई वहाँ पर मेरे ख्याल टीमें थोड़ा दूर दूर जा चुकी है। वहाँ पर देखना होगा जी टी एक्स डेविल टी वन डॉन भाई वहाँ पर बचे हैं दो। तो मेरे ख्याल वहाँ पर दो टीम में बचे हैं दो टीम को फिनिश हो चुके हैं। सामने देखा रेड विजार्ड भाई जैसे कहता था टीम नंबर 8 के हम पर नॉक कर चुके हैं। विजार्ड को इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट फिनिश कर चुके हैं। तो फिलहाल देखना होगा बड़े इजी भाई यहाँ पर उनको फिनिश वगैरह किया जा चुका है। भाई रेड अकेला भाई उनके ऊपर रश करते हैं। रेड अकेला भाई उनको
को नौ पाकिस्तान की टीम भाई रेंजर सचिन भाई पीछे से आ चुके हैं डोली गेमिंग आ चुके हैं सामने देख रहा हूँ क्या कुछ बैंगो टीम के आमस क्या रेड अकेला भाव उनको नौ को डालेंगे मेरे ख्याल से अपन नेट वगैरह प्रयास कर सकते हैं यहाँ तक मुझे लगता है रेड मोइन है उनकी एक टीम हम जो कि विजार्ड उनको फिनिश कर देगा है। बाकी टीम की तरफ भाई यहाँ पर देखा जाए बाकी कोई टीम आई थिंक ज्यादा क्लोज नहीं है या शैना के अंदर में कुछ टीमें क्लोज हो सकती हैं काली कुतिया ब्राउन कुतिया तो फिलहाल देखना होगा गोरी कुतिया इनमें नहीं आई है। बाकी टीम के हम यहाँ पर देख लिया क्या कुछ कर पाएंगे टीम के जो मेरे ख्याल यहाँ पर देखना हो उनके अमान आए हैं ब्राउन तो फिलहाल वहाँ पर देख लिया एस एफ की भाई पूरी टीम है आमने सामने तो फिलहाल देखना आमने सामने थोड़ा दूर है भाई रेड का वहाँ पर किलचोर की टीम के फाइट हो चुकी है रेड के साथ कोचंकी के अंदर वहाँ पर फाइट हुई है रेड की एक टीम हम यहाँ पर नोको टीम हम 17 के डोली गेमिंग भाई वहाँ पर रेड अगले तरफ से भाई नेट किया गया जो यहाँ पर जोर जो सिटी के अंदर वहाँ पर बड़ी दिमाग को नोको कर चुके हैं सामने देखना होगा क्या वो टीम उनके ऊपर रश करेगी जहाँ तक मुझे लगता है वो टीम का अंदर रश कर सकते हैं टीम हम जो कि 18 के नाम से यहाँ पर रश करना चाहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने एक टीम को भाई पहले भी नहीं किया लेकिन नहीं भाई वो वहीं पर बैठे हैं रश नहीं करें रेंजर सच यहाँ पर टीम हम क्लियर देने के लिए जाएंगे क्या वापस यहाँ पर एक नेट जाएगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक और नेट कर सकते हैं वापस अपनी किल शॉट की टीम के हम से चल लिया जाए जो कि यहाँ पर सामने मैगनेट को काफी ज्यादा भाई धो किया गया था वहाँ पर हिलअप वगैरह कर चुके हमने मैगनेट भाई वहाँ की देख लिया रेड एफजेड भाई वहाँ पर एक सर्जन नोक किया गया आयान भाई क्रस भाई को नोक किया गया सामने देखा कई भाई अपनी जो वहाँ पर अपनी टीम हम सूर्य देने जाएंगे आदि है पैंथो में तो फिलहाल देखना होगा क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम के हम तो भाई वहाँ पर उनके जो टीम के हम सॉरी पायथन भाई सॉरी पायथन भाई वहाँ पर उनको देखना होगा बाकी टीम के हम भाई देख डोली गेमिंग वहाँ पर रेड अकेले का नौ करते हैं फिलहाल देखना होगा रेड अकेला के वहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ मेरे ख्याल से वो टीम के हम भाई दूर पढ़ ले रहे हैं वहाँ पर रश नहीं करें क्योंकि उनको पता है वो अपनी पोजिशन छोड़ेंगे अमन भाई को वहाँ पर नोक किया गया टी एस एफ जो डार्क फील भाई की तरफ को नोक किया गया जो कि अपने भाई आशियाना के अंदर और राम टी एस एफ रेंजर सचिन एक साइड जाने की कोशिश कर रहे थे उनको रेड अकेला भाई वहाँ पर नॉक डाल चुके हैं वो भाई आ रहे भाई उनके टीम के हम नॉक डाल चुके हैं फिलहाल देखना वो भाई ने वहाँ पर नॉक डाला जो भारत श्री मान सावन के हम पर एक साइड नॉक पड़े थे रसूल और वहाँ पर नॉक पड़े थे रेंजर सचिन भाई फिनिश हो चुके हैं रेड अकेला भाई की तरफ से सामने देखना होगा अपनी टीम के ऊपर भाई उन्होंने नेट किया टीम जो सेवन के हम यहाँ पर रसूल दोनों जो कि उनके टीम के हम से आ रहे जो कि उनके भाई रह गए भी थ्री भाई यहाँ पर उनके ऊपर भाई नेट किया गया वो भाई उनकी तरफ से फिलहाल देखना होगा मेरे ख्याल से फिनिश करेंगे जहाँ उठाकर घूम रहे हैं तो मेरे ख्याल देखना होगा और वापिस से भाई उनकी टीम किसी और टीम की तरफ जो कि भाई अपने वहाँ पर उनकी टीम की फाइट चल रही थी किलचोर की टीम के हम फाइट चल रही थी उनको भाई देखना होगा रेड वर्सेस किलचोर जो कि चल रहा है पोचंगी के अंदर कौन सी टीम वहाँ से बचकर निकलती है और जो कि मेरे ख्याल से अपने जहर है वो एक साइड से भाई यहाँ पर थर्ड पार्टी कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है अपने जहर मेरे ख्याल से अपनी टीम से वैसे भी अकेले बचे हैं थर्ड पार्टी का पूरा माहौल मेरे ख्याल से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है एक आध किल तो भाई वहाँ पर लेकर जा ही सकते हैं वो टीम के हम वापस चले जाए अपनी जो टीम हम 18 के नाम से जो भाई सिटी के अंदर जो फाइट चली थी उनको देखना हो डोली गेमिंग अपनी टीम से वहाँ पर बचे हैं एक मार्कोस भाई की दो ही टीम आज भाई अपनी टीम से बचे हैं बाकी भाई उनकी पूरी टीम फिनिश हो चुकी है सामने देखना उनके भी आई थिंक तीन टीम हम से दो टीम हम बचे होंगे दो जहाँ पर रेड अकेला बचे हैं भाई वहाँ पर जो कि एक रेड मोहन बचे हैं थोड़ा देखना हो क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम के हम बस रेड अकेला भाई अब तक इनके दोनों टीम हम भाई फिनिश कर चुके हैं जो कि अपने इनके दो टीम के हम बस थे आई एम यामा भाई और जो कि उनके टीम के हम से रेंजर सचिन बिलाल भाई यहाँ पर एस आर के अब्दुल भाई का नौकर चुके हैं फिलहाल देखना होगा अब्दुल भाई जो मेरे खाते प्रीमो के अंदर वहाँ पर थे टीम जो कि वन के हम साइड वहाँ पर उनको नॉक किया गया सर के अब्दुल तो फिलहाल देख लिया बिलाल टीम और टू के हम की तरफ से भाई उनको नॉक किया गया टीम सिक्स के हम वहाँ पर देखना होगा शेल भी वहाँ पर एल टू के शेल भी मेरे ख्याल आना चाहेंगे बिलाल मेरे ख्याल अब जो कि उनके उन्होंने नॉक किया सर के अब्दुल भाई को फिनिश करना चाहेंगे एल टू के गोड एक साइड से मार्कोस वीके के मेरे ख्याल काफी ज्यादा गाड़ी वहाँ पर घुमा रहे थे लेकिन भाई वहाँ पर मार्कोस वीके भाई मेरे ख्याल उनके ऊपर फायर वगैरह नहीं किया तो मे भी वहाँ से निकल जाएंगे सामने देखना बिलाल भाई वहाँ पर देख लिया शेल भी भाई को बिलाल भाई नौकर नेशनल के भाई वहाँ पर चला रहे थे शेल भी भाई को बड़े दिन यहाँ पर फिनिश करेंगे अपने टीम नंबर टू के हम सामने देखना जो टीम नंबर सिक्स के हम तो वहाँ पर कैंप करके बैठे हैं अपने जो भाई ईगल तोड़ भाई बैठे हुए हैं ईगल इरफान भाई बैठे हैं एल टू के गोड़ भाई ने मेरे ख्याल ईगल इरफान को देखा और इरफान भाई को जी हाँ काट पे एक कैम का और एल टू के गोड़ भाई को फिनिश कर चुके हैं सामने देखा भाई उनकी टीम के जो मार्कोस वी के भाई टीम है बन के हम सोलो बचे हैं ईगल तोड़ भाई और वहाँ देखना उनके सेफ अली भाई आई थिंक काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुके हैं तो फिलहाल देखना वहाँ पर और वहाँ पर बड़े भाई टीम जो कि अब्दुल से वहाँ पर फिनिश हो चुके हैं वापस भाई चले अपने पोचंगी के अंदर काफ़ी खड़े हैं फाइट देखने के लिए मिलने वाली है जहर एक साइड से भाई क्लोजिंग भाई टीम आप जो अपनी किलचोर की टीम है उनके ऊपर भाई आ चुकी है मेरे ख्याल रश करेगी जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ मैक भाई उनके ऊपर बैठे हैं तो फिलहाल देखना हूँ जहर भाई मेरे ख्याल वहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं अजहर भाई वहाँ पर एक साइड देखना होगा सैम और भाई रेड की टीम उनके जस्ट सामने तो फिलहाल देखना होगा भाई यहाँ पर कौन सी टीम भाई यहाँ से बचकर निकलती है क्या किलचोर अपने पोचंगी यहाँ पर हासिल करेगी जहाँ मेरे ख्याल जो कि मैगनेट वहाँ पर सामने कूदने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है जो अपने जहर के ऊपर रश करना चाहेंगे वो टीम क्या है जो अपनी टीम से वैसे भी फॉलो बचे हैं आयान भाई को देखना होगा आयान वहाँ पर क्या उसके बातें जहाँ पर आयान भाई और वहाँ पर देख रहे हैं मैगनेट भाई सीधा जाएंगे मैगनेट भाई सीधा जा चुके हैं मोली की थी और जहर भाई बड़े इजिली मैगनेट की मोली से भाई यहाँ पर चलते हुए और वापस भाई देखना अपने यहाँ पर रेड वर्सेस किल शॉट यहाँ पर हो चुका है जो कि जहर थे भाई वहाँ पर उनको बड़े इजिली भाई मोली का जहर उनको चखा दिया गया और लोबी भेज दिया गया है कि आप अपना जहर फैलाने के लिए कल आएँ और फिलहाल देखना होगा यहाँ पर अपनी जो कि रेड की टीम के हम उनको देख लिया अपनी किल शॉट की टीम के हम सामने सामने की और फाइट हमें देखने के लिए मिलने वाली है वापस भाई देखने को जो मेरे ख्याल से टीम नंबर 18 के नाम की तरफ भाई चल ले जाए जो मेरे ख्याल से यहाँ पर काफ़ी देर से भाई
फाइट तो काफी देर से भाई वहां पर होने के लिए रेडी है, लेकिन भाई उनकी टीम के भाई सर्ज रश नहीं कर रहे हैं मार्कोस व्हाइट। और सामने देखा डोली गेम को एक सर्जन हो गया है मार्कोस व्हाइट भाई अपनी टीम 16 बचते हुए, और मुझे नहीं लगता मार्कोस व्हाइट भाई अपनी टीम हमको किसी भी हालत में बचा सकते हैं, क्योंकि भाई उनको क्रॉस करके जाना पड़ेगा और भाई वहां पर क्रॉस करके अगर वो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से मार्कोस व्हाइट भाई यहाँ पर अपनी टीम से 16 बचेंगे। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या कुछ बताया हमने मार्कोस व्हाइट भाई, और बाकी टीम हम इस तरह भाई चल लिया जाए अगर किसी की फाइट हो रही हो जहाँ तक मुझे लगता है। जो कि अचानक साइड टीएसएफ की टीम मेरे ख्याल से गाड़ी उठाकर निकल चुकी है, और जो कि काली कुतिया ब्राउन कुतिया है वो वहाँ पर अचानक को लूट कर मेरे ख्याल से बाद में भाई निकलेंगे। जो बॉय क्या ही बात है, मतलब नाम काफी यूनिक रखते हैं लोग, तो मतलब दुनिया से हट के वक्रे नाम भाई, ताकि आप लोग उनकी कॉपी ना करें। तो मेरे ख्याल से आप भी ऐसे नाम रख सकते हैं, क्योंकि भाई उभर के ऐसे नाम ज्यादा आगे आ जाते हैं बाकी देखने का यहाँ पर। लेकिन आप लोग तो भाई सेम ही नाम रख लेते हैं एक ही टीम का भाई, दस दस तीन तीन चार चार टीमों ने एक ही टीम का नाम रख रखा है, तो उसका भाई फायदा नहीं है। आपकी टीम भाई स्विच जल्दी से कहीं और पे हो जाता है, तो मैं भी भाई यहाँ पर देखना होगा वापस भाई किसी और टीम के नाम से अगर कोई टीम ज्यादा क्लोज हो। डोली गेमिंग को फिनिश कर देगा मार्कोस व्हाइट अपनी टीम से अकेले बचेंगे, सामने देखना हो बाकी जिससे टीम भाई देख लिया मार्कोस जो कि बीके थे वो टीम आज वन के नाम से निकल चुके हैं। रसूल डोन भाई यहाँ पर फिनिश वगैरह हो चुके हैं सर कर जो टीम से टीम के नाम से यहाँ पर जो कि उनको नॉक वगैरह डाला था, और भाई यहाँ पर देखना होगा मेरे कजन की टीम के फिनिश भी हो जाएगा वापस भाई देखना होगा उनकी टीम जो कि भाई किसी और टीम के की तरफ भाई यहाँ पर देखना होगा अगर कोई और टीम के यहाँ पर जो कि रेड वर्सेस भाई जो कि वहाँ पर किल शॉट चल रहा था वो भाई अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ पर जारी रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई वो टीम के इतनी जल्दी वहाँ से नहीं निकलेंगे। वहाँ पर अभी तक सर्कल है और जो कि अपनी रेड की टीम है वो भाई वहाँ पर जाकर बैठ चुके हैं। स्क्वाड हाउस टीम सेवन के वहाँ पर देखना टीम काफी ज्यादा क्लोज टीम है फाइव की, क्या पर उनकी फाइट होगी टीम है फाइव के साथ। रॉयल जिशान है वो है दो टीम यहाँ पर बचे हैं, दो टीम यहाँ पर उनके फिनिश होने वाले हैं क्योंकि भाई वो नॉक पड़े हैं, लेकिन टीम आसान के हम यहाँ से भाई सीधा ही निकलते हैं भाई वो बिल्कुल भी कहीं पर नहीं रुके हैं कि उन्हें फाइट नहीं लेना चाहते। तो फिलहाल देखना होगा रसूल यहाँ पर बड़े जहाँ पर फिनिश वगैरह हो चुके हैं जो कि अपनी भाई यहाँ पर बाकी टीमों को भाई अपना नजर डाली जाए। जहाँ शिवर्णी की साइड शूटिंग रेंज साइड भाई यहाँ पर सर्कल ट्रांसफर हो चुका है, सभी टीमों को भाई शूटिंग रेंज की तरफ निकलना पड़ेगा, अपनी किलशॉट को भाई यहाँ पर निकलना पड़ेगा, रेड को निकलना पड़ेगा, सभी टीमें मेरे ख्याल से यहाँ पर निकलना चाहेंगी, सर्कल को होल्ड करना चाहेंगी। मुन्ना भैया चले गए हैं भाई वहाँ पर होल्ड वगैरह करने के लिए, लेकिन कालीन भैया इनके मर गए, मतलब वो तो अलग स्पोर्ट के खैर मेम्बर्स थे लेकिन भाई वहाँ पर मर गए हैं। वापस भाई देखना होगी सर टीम के हम, जहाँ तक मुझे लगता है प्रीमोस की जो भी टीम है उनको टी वन टॉक्सिक की जो भी टीम है उनको भाई सर्कल निकलना पड़ेगा, अपने टेरर की एल टू के शेडो यहाँ पर सर्कल के अंदर निकलते हैं, काली कुतिया हाइड्रा की टीम यहाँ पर सर्कल के अंदर निकलती है, मेरे ख्याल से ड्रॉप वगैरह लूटना चाहेंगे वो टीम के हम जहाँ तक मुझे लगता है। और मेरे ख्याल से सभी टीमों को निकलना ही पड़ेगा क्योंकि एक्वा की टीम भाई अपने रोजो के अंदर अभी तक बैठी है, लेकिन भाई उनको भी निकलना पड़ेगा अपनी पोजीशन वहाँ पर होल्ड, अगर भाई टीमें पहले से कर लेंगी तो मेरे ख्याल से उनके लिए काफी ज्यादा ईजी रहेगा। बाकी टीमों को नाम यहाँ पर देख लिया किस टीम में आपकी यहाँ पर फाइट होती है, यहाँ तक मुझे लगता है जो कि भाई अपनी टीम वहाँ 25 ओवर पार्ट के काफी ज्यादा क्लोज से गुजर रही थी वहाँ पर देख लिया टीम जीटीआर डेविल बाहर, लेकिन भाई वो टीम वहाँ से निकल चुकी है बिल्कुल भाई फाइट बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई सर्कल के बाहर है तो फाइट भाई टीमें अवॉइड वहाँ पर इग्नोर कर देती हैं। तो फिलहाल देखना होगा वहाँ पर क्योंकि सर्कल के बाहर बहुत कम लोग फाइट लेते हैं, तो फिलहाल देख लिया जाए अपनी बिलाल की टीम राटी और टू के नाम से वो भाई निकलना चाहेंगे, अपने मार्कोस बी के भाई जो कि अपनी टीम 16 बचे हैं वो भी मेरे ख्याल से गाड़ी वगैरह ढूंढ के सीधा भाई सर्कल की तरफ निकलना चाहेंगे। एक्वा की टीम भाई निकल चुकी है अपने सर्कल के अंदर, और मेरे ख्याल जो टीम 25 के नाम से उनकी भाई लड़ाई तो हो सकती है जो कि मेरे ख्याल से ओपी की टीम के साथ फाइट हो सकती है, फिर एक्वा की टीम मतलब भाई वहाँ पर सैंडविच हो सकती है टीम 25 के नाम से जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिलहाल देखना होगा भाई वहाँ पर कोई टीम 25 के नाम से स्प्रे दिया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ सामने भाई रुक चुका टीम के नाम ओपी की टीम के साथ मेरे फाइट लेना चाहेंगे वो टीम का जाएगा। एक टीम हम साथ एपीएस वाई जी भाई को उतारा गया, कैप्टन भाई की तरफ से काफी उम्दा वहाँ पर उतारा गया, तो मेरे ख्याल देखना होगा क्या भाई वो अपनी टीम को बचाने के लिए आएंगे। ओपी मशीन बाइक चार्ज चाहते हैं, लेकिन भाई ओपी मशीन बाइक चार्ज भाई उन्होंने प्लैंक जरूर किया लेकिन भाई कोई फायदा नहीं, ओपी मशीन भाई सीधा निकलना चाहेंगे। सामने देखना होगा भाई यहाँ पर जो टीम 25 के यहाँ पर एक सर्ज भाई रुके, उन्होंने भाई फाइट यहाँ पर इग्नोर नहीं की, लेकिन भाई यहाँ पर देखना एक टीम का एक सर्ज भाई उनका टीम का हमको देखना होगा, जैसे कि मैं कह रहा था काली कुतिया ब्राउन कुतिया यहाँ पर ड्रॉप लूटेंगे और भाई और भाई वापिस भाई उनको स्प्रे वगैरह दिया गया, वापिस भाई देख लिया मीटिंग का निकल चुके हैं। भाई यहाँ पर एक और टीम आ चुकी है रेड की टीम यहाँ पर मेरे ख्याल से आई थी, लेकिन भाई वो टीम का भाई यहाँ पर निकल गए हैं जो कि भाई यहाँ पर रेड एफ जेड पावर की यहाँ पर एक तरह से टीम आई थी, लेकिन भाई उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा कि भाई वो पीछे से और भी टीमें आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखना एक और टीम यहाँ पर फाइट होने वाली है अपनी आरडीएक्स की टीम के साथ, यहाँ पर देख लिया मेरे ख्याल से यहाँ पर एक टीम आ चुकी है निकल चुके हैं भाई, वो टीम आई जरूर थी लेकिन भाई निकलती थी लेकिन ओपी की टीम के साथ फाइट हो सकती है। बॉब रॉयल जिशान सामने ओपी मशीन भाई रेड पाइथन भाई वहाँ पर एक सर्ज नॉक कर चुके उनकी टीम के हम, बाकी देखना उनकी टीम के हम उसको सीधे ही भागते हो वहाँ पर जो कि ओपी की टीम मशीन भाई को मेरे ख्याल से फिनिश किया जाएगा। ओपी गॉडफादर बचे हैं, ओपी जैक दो ही टीम है अपनी टीम से बचे हैं। सामने देख लिया जाए रॉयल जिशान भाई और बॉब भाई और वहाँ पर एक सर्ज निकलते क्या फान को स्प्रे दिया जाएगा, जिन्हें वो टीम कम साइड निकल जाएंगे। सामने देख रहा हूँ ओपी जैक और जो गॉडफादर के ऊपर मेरे ख्याल से वहाँ पर नेट वगैरह ट्राई किए जाएंगे जहाँ मुझे लगता है
और बाकी टीमों को देखना होगा बाकी कौन सी टीम भाई ज्यादा क्लोज है। एफएनसी की टीम मेरे ख्याल से वहाँ पर जिसके काफी ज्यादा क्लोज है, क्या भाई वहाँ पर उनकी फाइट होने वाली है, तो मेरे ख्याल से वो भी देखना होगा। मेरे ख्याल से उनकी फाइट वगैरह हो सकती है अपने एफएनसी की टीम के, हम चूंकि हर डेक्स वहाँ पर अकेले जा रहे थे, लेकिन भाई वहाँ से निकलेंगे सीधे बाहर निकलते, और जो कि एक टीम हमसे वो भाई दूर से फ्लैंक करके जो कि जा रहे हैं अपने डीसी पी पावर की जो टीम के हमसे एफएनसी लीजेंड डेड है वो दूर से फ्लैंक करके, और सामने देखना अपनी टीम जो कि जीटीआर मैक्स पावर की यहाँ पर फाइट हो सकती है। मैक्स पावर अपनी टीम से अकेले हैं, बग्गी का टायर भाई यहाँ पर फोड़ दिया गया टीम है मेरे ख्याल जो कि अपने उनकी टीम के हमसे टी वन डोन की टीम के हमसे रजबांग थोड़ा टायर वगैरह फोड़ दिया गया था भाई। ब्लास्ट वहाँ पर देखना वहाँ पर निकल चुके हैं बाकी देखना होगी इसी टीम के हम इसके बीच अगर भाई यहाँ पर फाइट होती है। जहाँ तक मुझे लगता है टीम आप 25 मेरे ख्याल से वहाँ से निकल चुके टीम आप 25 शिवानी के अंदर भाई जाती है, शिवानी के अंदर पहले भाई ज़्यादा टीमें हैं लेकिन मार्कोस जी का भाई जो अपने टीम से अकेले बचे थे किल शॉट आया भाई उनको बड़े दिन यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं। तो फिलहाल देखना वापस जो अपने रेड वर्सेज यहाँ पर एल टू के रोतराज एल टू के शेडो भाई का यहाँ पर मेरे फाइट वगैरह होने वाली है। एल टू के रोतराज काफी कड़क स्पेस सामने देखना अपने ईगल भाई और वहाँ पर देख सकते एक साइड भाई नॉक किया गया है उनकी टीम का जो टीम मेंबर भाई यहाँ पर काफी कड़ा स्प्रे दिया गया दो टीम हमको उतार चुके हैं वहाँ पर बहुत ही उम्दा मेरे ख्याल पर टेरर किंग वहाँ पर दो टीम उतारा था एफजेड कई बार तीसरे टीम भाई दो टीम एफजेड को फिनिश करेंगे रेड आज भाई टीम 16 बजे रेड की भाई पूरी टीम का वाइप कर चुके हैं लगभग सामने देखा अभी तक तो भाई खाता भी नहीं खुला था अपनी रेड की टीम का क्या रेड आदि भाई यहाँ पर देखना खाता खोल के जाएंगे तो फिलहाल देखना ईगल की टीम ईगल बोस पावर के यहाँ पर एक साइड फाइट हो चुके मैं यहाँ पर देखना होगा जो कि मेरे ख्याल से ईगल बोस वगैरह है वहाँ पर उनको पिंच वगैरह कर दिया गया जहाँ तक मिल लगता है। बाकी देखना यहाँ पर टीम जो मेरे ख्याल जहाँ था उनकी टीम के हम थे 5 के मेम्बर थे वहाँ पर उनको देखना जो कि उनकी टीम के हम से ईगल बोस ईगल अच्छे तो पहली बार फिंच हो गया था अपनी टीम से वहाँ पर अब ज्यादा भाई अपने टीम से अकेले बच्चे तो फिलहाल देखना होगा वहाँ पर वोटिंग के अंदर भाई सीधे ही निकलते सामने देखना मेरे ख्याल बिल्ला बिलाल भाई यहाँ पर एक साइड नौकर चुके फिलहाल देखना होगा बिल्ला भाई सॉरी टीम जो टू के मामले से यहाँ पर मेरे ख्याल उन्होंने एक सर्च भाई नोक किया सामने देखा टीम 6 के मामले की तरफ से वहाँ पर एक सर्च मौली वगैरह की जा रही है जो मेरे ख्याल यहाँ पर देखूंगा सेफ अली भाई काफी कड़क स्टेट में आउट के मामले की तरफ से सेफ अली भाई कर जाकर सेफ अली भाई को बढ़ दिया पर एल टू के गोड भाई की तरफ जो वहाँ पर फिनिश वगैरह कर दिया गया बिल्ला भाई की तरफ से वहाँ पर उनको फिनिश वगैरह किया गया वापस भाई देखना उनकी टीम के हम सिर्फ भाई चली जाए जो मेरे ख्याल यहाँ पर उनकी टीम के हम से रेड आदि भाई अपने लिए जो कि अकेले बचे हैं बाकी टीमों को यहाँ पर देखना जो किल शॉट की टीम वहाँ पर एक सर्च स्प्रे देती है अपनी टीम आउट के हम पर वो मेरे ख्याल वहाँ से निकलना चाहिए साथ ऊपर फायदा नहीं है निकलते देखना हो पाया वो टीम के यहाँ पर मेरे फाइट को थोड़ी अवॉइड करेंगे जहाँ तक सिक्रेट वगैरह लूट मेरे ख्याल से निकलना चाहेंगे बाकी देखना होगा यहाँ पर बाकी टीमों की तरफ भाई चल ली जाए जो कि अगर बाकी कोई टीम ज्यादा क्लोज है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है जो भी बॉब है रॉयल जिशान है वो काफी ज्यादा क्लोज है टीम नंबर 11 के फिलहाल देखना जो कि मुन्ना भाई और की टीम है उनकी टीम है हम उसको देखना होगा भाई यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम के हम बस और बाकी को भाई यहाँ पर देख लिया बाकी टीम के हम मुझे लगता है बाकी कोई टीम ज्यादा क्लोज है जहाँ तक मुझे लगता है अपने याद रखना और जो मैंने कहा था यहाँ पर टीम जीटीआर डेविल भाई वो काफी ज्यादा क्लोज है एक बार टीम के हम धीरे धीरे की साइड बढ़ रहे हैं वो आई थिंक वहाँ पर शॉपिंग वगैरह की वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है वहाँ शॉपिंग वगैरह करके निकलना चाहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है उनकी टीम के हम एक्वा की टीम के हम जी नहीं भाई वो कंधे ढूंढते हैं वहाँ पर सर्कल के बाहर कोई टीम के हम एज पे भाई वहाँ पर बैठे ना और उसके साथ भाई निकाल पर फाइट वगैरह ले सकते हैं फिलहाल देखना एक्वा की टीम का अलग अलग गाड़ी में वहाँ पर घूमते हुए सामने मेरे ख्याल यहाँ पर अपनी जो कि जी टी आर की टीम का वहाँ पर स्प्रे वगैरह आता हो तो फिलहाल देखना वो टीम के हम वहाँ से निकलना चाहेंगे भाई सर्कल के बाहर फाइट लेकर फायदा नहीं है मेरे ख्याल सर्कल के अंदर निकलना चाहेंगे वो टीम के हम से भी सामने देखना भाई बाकी टीम है क्योंकि भाई टीमें काफी ज्यादा 59 बंदे भाई अब तक लाइव है 20 टीमें और सर्कल मेरे ख्याल से काफी ज्यादा छोटा हो चुका है लगभग हर एक टीम भाई अपना अपना भाई यहाँ पर सर्कल जो भाई होल्ड कर रही है फिलहाल देखना लेकिन भाई काफी ज्यादा इंटेंस फाइट होने वाली है लास्ट सर्कल में क्योंकि काफी ज्यादा इंटेंस फाइट हमें देखने को मिलने वाली है काली कुतिया ब्राउन कुतिया मेरे ख्याल यहाँ पर गुजरते हुए एक साइड से बॉब टीम आसान के हमसे काफी ज्यादा क्लोज से गुजरते हुए क्या भाई उनको स्प्रे दिया जाएगा तो फिलहाल देखना वो टीम का यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक्वा की टीम के हमसे मेरे ख्याल यहाँ पर रुकेंगे एक साइड जो टीम आसान के उनके नाम से मेरे ख्याल बड़े यहाँ पर फिर चुका करेंगे मिस्टर रोकी नंबर 23 के अंदर टीम एंडी स्नैक्स है वहाँ पर देखना होगा कैप्टन भाई को देखना होगा कानपुर को वहाँ पर नोक किया गया तो फिलहाल देखना भाग टीम में आप अंदर बैठे हुए और मेरे बड़े दिन पर फिंच करेंगे सामने मेरे ख्याल नेट कर सकते हैं मिस अंजलि को यहाँ पर फिंच कर दिया गया दुग्गू परेशान है टीम से अकेले बच्ची को फिलहाल देखना दुग्गू परेशान के ऊपर अच्छा था और दुग्गू परेशान को फिंच किया जाएगा लेकिन दुग्गू परेशान एक टीम को इंस्टेंट फिनिश
ऋतुराज भाई हैं, घोष भाई हैं, दो टीम वहाँ पर बचे हैं। सामने देखो अपने आई एन डी जोकर भाई, रेड़ा दिवाई की तरफ से भाई उनको नॉक किया गया। रेड़ा दिवाई जो कि अपनी टीम 16 बजे वहाँ पर उनको टीम 23 के नाम से नॉक कर चुके हैं। आदि भाई ने यहाँ पर नॉक किया, सॉरी क्या भाई, यहाँ पर फिनिश करेंगे। सामने देखो हमें गाजी के अपने आई एन डी जोकर भाई हैं वहाँ पर नॉक पड़े हैं, उनकी जो टीम के नाम से वहाँ पर उनको बड़े जहाँ पर दे देंगे। रेड़ा भाई वहाँ पर देखना होगा, काली कुतिया ब्राउन कुतिया को देख लिया जाए क्या कुछ कर पाते हैं वो टीम के आंसर फिलहाल को देख लिया होगा। भाई यहाँ पर जो उनके टीम कैम से और मेरे ख्याल से बड़े जिले यहाँ पर निकल चुके हैं वो टीम के आंसर फिलहाल देखने को, जो मेरे ख्याल वहाँ पर उनकी टीम कैम से टैर भाई वहाँ पर नहीं रुके हैं वो टीम के आंसर, थोड़ा अलग अलग भाई जा चुके हैं वहाँ पर उनके ऊपर भाई उन्होंने रश नहीं किया क्योंकि वहाँ पर उनको कहीं और से स्प्रे आ रहा था, इसलिए भाई वो टीम के भाई निकल चुके हैं। काली कुतिया काफ़ी ज़्यादा क्लोज, ओपी की टीम के आम से काफ़ी ज़्यादा क्लोज, ओपी मशीन भाई, ओपी जैक और जो उनकी टीम के आम से ओपी गॉडफादर भाई काफ़ी ज़्यादा क्लोज, और बाकी टीम के मेरे ख्याल इनके आना चाहेंगे इनके पास जहाँ आ चुके हैं बड़े इजीली यहाँ पर देखना होगा। और मेरे ख्याल यहाँ पर देख लिया अपने टीम जी टी आर मैक्स भाई है, याद रखना है क्या कुछ करवा दे वो टीम के जो टीम 24 के उनको भाई यहाँ पर देखना होगा। वापस जो अपने ऋतुराज भाई यहाँ पर टीम के बचे हुए हैं, जो उनके जो शेडो थे वहाँ पर इंस्टेंट ओवर इंस्टेंट फिनिश हो चुके हैं। वापस भाई देखना हो जो अपने याद रखना सामने काफी कड़क स्प्रे वगैरह देते हुए टीम अब तक लाइव सामने देखना जो मेरे टैरकिंग को काफी कड़ा एक साइड स्प्रे आता है, मतलब क्योंकि भाई दोनों तीनों साइड भाई यहाँ पर टीम है और काफी कड़ा वहाँ पर स्प्रे वगैरह दे रहे हैं वो टीम और भाई यहाँ पर इंटेंस फाइट है, मतलब 50 बंदे भाई अब तक लाइव है। तो सर्कल भाई अभी और ज्यादा छोटा होने वाला है, मतलब मात्र 3 यहाँ पर सेकंड बचे हैं यहाँ पर देखना भाई, काल सर्कल बहुत ज्यादा छोटा होने वाला है। जहाँ सर्कल छोटा हो चुका बिल्कुल ही सभी टीमों को सर्कल अंदर निकलना पड़ेगा, अब काफी ज्यादा इंटेंस फाइट हमें देखने के लिए मिलने वाली है। फिलहाल यहाँ पर देख लिया जाए, मैं भी देखना हूँ जहाँ तक मुझे लगता है भाई उनकी टीम के जो भाई अपनी टीम नंबर 10 के मुझे काफी ज्यादा क्लोज टीम आ चुकी है, याद रखना भाई काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। याद रखना मैं कहता हूँ फिनिश हो सकते हैं, याद रखना क्योंकि भाई ओपन से आ रहा है, मैं कहता हूँ फिनिश किया जाएगा नॉक करके। और मैक्स भाई यहाँ पर देखना, मैक्स भाई को एक साथ नॉक कर दिया गया, अपनी जो बॉय की तरह से भाई नॉक किया गया, याद रखने को भाई यहाँ पर एक साथ ओपी मशीन भाई की तरह से फिनिश कर दिया गया। जो बॉय को वहाँ पर देख लिया, वहाँ पर 1 एचपी बचे थे, मैं कहता हूँ हील करना चाहेंगे। सामने देखना मैं कहता हूँ जो टीम के हम थे वहाँ पर अपने ओपी के टीम के हम थे बैठे हुए एक साइड से, सामने देखो टैरकिंग को टीम आई जो वहाँ पर एक साइड से वापस जोकर भाई नॉक कर चुके हैं टैरकिंग, लेकिन वहाँ पर बड़े जिले डिवाइव हो जाएंगे वहाँ शिवानी थे वहाँ पर नॉक किया, उनकी गाड़ी ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही है। सामने देखना भाई टीम नाम जो 23-16 के नाम से वहाँ पर उनकी फाइट हो सकती है, टीम 16 के नाम काफी ज्यादा क्लोज थे टीम के जो मेरे टीम 5 नाम से और वो वैसे वहाँ पर सोलो देख लेते फिर छोटा आया था सर से नोकिया गया, थोड़ा दिन आया था वहाँ पर एक सर से टीम का वहाँ पर टीम 11 काम से नोकिया गया, लेकिन टाइम वहाँ पर यहाँ पर नौकरी लेकिन पीछे से बांध के मुन्ना भाई एक सर जा चुके हैं वहाँ पर दिख रहे हैं भाई अपनी टीम यहाँ पर बचे हैं। मैक भाई के कैमरा से दिखा देते हैं, मैक भाई यहाँ पर 1 HP सामने यहाँ पर जो मैक भाई हील वहाँ पर लगाते हुए भाई उनकी पूरी टीम वहाँ पर एक चर्चा रख सकते हैं वहाँ पर एक चर्चा किया तीसरा टीम हम सुनोक डाला 2v2 अकेले बहुत ही मदद तरीके से यहाँ पर मुन्ना भैया और जो उनके श्री भैया थे वहाँ पर बड़े यहाँ पर उनको फिश वगैरह बच्चे जो कि अपने नजर है उनको भाई बड़े यहाँ पर बचा लेंगे, लेकिन सामने एक और टीम रुक चुकी है वहाँ पर जो कि FNC लीजेंड डेड हैं, AB है वहाँ पर, RDX है वहाँ पर उनकी टीम के DCP वहाँ पर आ चुके हैं एक चार्ज क्या कुछ करवाते हैं वो टीम के हम उनको भाई यहाँ पर देखना, बॉब की टीम के हम यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज, टीम GTR डेविल के काफी ज्यादा क्लोज एक टीम देखने को भाई यहाँ पर। सामने भाई नीचे उनके FNC लीजेंड डेड है, TSF जोड़ 2 टीम नाम उनके जस्ट नीचे हैं, पीछे चारों टीम नाम से भाई मैंने पीछे देखा ही नहीं था वहाँ पर देख लिया भाई चारों टीम नाम से उनके आ रखे हैं फिलहाल देखना भाई क्या कुछ करवाते हैं वो टीम के हम बस, और देख लिया उनके ओपी भाई भी यहाँ पर उनके सामने 2 टीम में से अपने T1 डोन है वहाँ पर उनके GTR टाइप ने क्या उसके बाद काली कुतिया ने काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, ब्राउन कुतिया भी आते हुए वापस से भाई देखना हो जो टीम के 23 नाम से हमारे एक सर्च नोक पड़े थे स्नैक्स नोक पड़े थे उनको भाई रिवाइव दिया जा रहा है। वापस से भाई देखना हो जो उनके टेरर किंग भाई की तरफ से भाई वहाँ पर मोली वगैरह करके आए एंड स्नैक्स भाई को बड़ी इजीली यहाँ पर निकाल फिनिश वगैरह कर देगा उनके जो भारतीय में उनके मेम्बर्स थे 4 के मैम थे वहाँ पर उनको बड़े यहाँ पर फिनिश वगैरह कर चुके हैं, टीम आई टीम 23 थे वहाँ पर उनको मैं निकाल पूरी तरीके से यहाँ पर वाइप करते हुए जहाँ तक मुझे लगता है भाई उनकी टीम बाकी टीम के हम भाई यहाँ पर देख रहे हैं अभी भाई 38 बंदे अलाइव में सर्कल और ज्यादा मतलब छोटा हो रहा है, सभी टीम भाई निकलती है इंटेंस फाइट है, टेरे किंग की जो कि बग्गी होकर भाई धुआं छोड़ती है क्या है उनको स्प्रे आएगा फिलहाल देखना होगा। यहाँ पर ओपी की टीम भाई चढ़ सर्कल के अंदर निकलती है, देखना जो बॉय काली कुत्ते भाई को वहाँ पर एक चर्चन ओके गया जो बॉय को जो टीम के हम यहाँ पर देखना एक भाई यहाँ पर नौकर उनकी टीम के हम को और भाई यहाँ पर देखना 2 ही टीम
को काफी कट सकते हो भाई, बहुत ही और ओपी मशीन भाई, टेररिंग यहाँ पर ओपी मशीन को नॉक करते हैं। मार्कोस वाइट भाई जो अपने टीम सोलो थे उनको भाई यहाँ पर फिनिश कर दिया गया, यहाँ पर बड़े इजी भाई फिनिश हो चुके हैं। सामने देखने में गया जो कि ओपी की टीम के आम भाई देख लिया जो कि गॉडफादर ओपी, दोनों टीम आपको वहाँ पर गाड़ी लाश की जा चुकी है। ओपी जैक तीन टीम आपके बचे और बड़े यहाँ पर उनको फिनिश वगैरह किया जा चुका है। सामने देखने में गया जहाँ पर उनकी टीम के आम भाई जो टीम नाइन के आम से यहाँ पर आए थे गाड़ी से और भाई वो नोक हो गए, मतलब भाई जो मेरे ख्याल अपना ब्राउन को थे वो पीछे ही देख रहे हैं कि पीछे से कोई तो आया था, मेरे ख्याल से आगे आना चाहेंगे वो पीछे ही रुक गए हैं, लेकिन भाई वो वहाँ से नोक हो गए हैं। उन्होंने किल फीड पे जो किया ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर देखना होगा बाकी टीम के आउट को भाई वहाँ पर देखना होगा। एक्वा की टीम के आउट सर्कल के अंदर निकल चुके हैं, किल शॉट जो कि मैग्नेट भाई हैं और अजहर हैं वहाँ पर, वो भी भाई सर्कल के अंदर वहाँ पर बैठे हुए हैं। सामने देखना होगा भाई उनकी टीम के आउट जो कि हैं वो भाई हो रहे हैं वहाँ पर, और रॉयल जीशान है दो टीम आउट वो भी सर्कल के अंदर है। टीम आउट वन के भाई जो कि फाइव के सोलो टीम आउट वहाँ पर बचे हैं, टीएसएफ जोड़ भाई टीम आउट जो कि नाइन के आउट और वन की टीम के आउट वहाँ पर दो टीम आउट वहाँ पर बचे हैं। रेड की टीम के आउट रेड मोइन भाई और रेड अकेला भाई दो ही टीम आउट बचे हैं। सामने देखना होगा हाइड्रा की टीम के भाई यहाँ पर मेगा से तीनों टीम आउट तक अला चारों टीम आउट यहाँ पर अलाए हुए हैं। कैप्चर बाद टीम के आउट भी देखने को भाई कौन सी टीम आज चिकन लेकर जाती है, और मैं कहते हैं एक्वा के भी चारों टीम हम जहाँ तक मुझे लगता है वो नहीं चाहिए, जहाँ चारों टीम आज अब तक अलाए हैं। यहाँ पर एक्वा की टीम के हम उसकी चार किल बाय कर चुके हैं, हम ही तो जो मिलता है दो दो किल बाय यहाँ पर करते हुए। वापस बाद देखना हो जो कि मेरे कहते काफी ज्यादा क्लोज एफ एन सी लीजेंड की यहाँ पर टीम काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है अपने एक्वा की टीम के सामने। देखो मेरे उनके एक्वा बीस्ट काफी ज्यादा क्लोज उनके भाई लेटे हुए हैं। सामने देख लिया जाए हाइड्रा माई भाई वहाँ पर एक सर्च नोक चुके हैं, टी एस एल टीम के हम उनको भाई नोक कर चुके हैं अपने हाइड्रा माई भाई को वहाँ पर एक सर्च जो टीम फोर्टीन के हम सामने एक सर्च नोक हो गए हैं। एल टू के लेजेंड भाई यहाँ पर देखना अमित भाई हैं, विश्वा भाई और मेरे कहते अपनी टीम जो कि माही है उनको बड़े यहाँ पर दे दिया है उनकी गाड़ी के भाई काफी कट सकते हैं उनकी गाड़ी एक्वा बीस्ट भाई जैसे कर रहा है एफ एन सी आर डी एक्स भाई नोक कर चुके हैं यहाँ पर, और बड़े जो मेरे यहाँ पर फिनिश भी करेंगे बीस भाई को इंस्टेंट नोक इंस्टेंट फिनिश कर चुके हैं। तो फिलहाल देखना जितने कहा अपने उनकी टीम के हमसे टीएसएफ की टीम का सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। सामने देखना ए बी भाई को नोक के गए, एफ एन सी लीजेंड भाई आर डीएक्स भाई को नोक के गए, डी सी भी बचे वहाँ पर एस के बचे हैं, रेडियो वहाँ जितने कहा एक्वा की टीम के यहाँ पर एक टीम बचे हैं, एक्वा जी के अमित भाई को नोक के गए वहाँ पर देखना एक्वा जैक भाई को भाई का करवा दे वहाँ गए। टीम नंबर 18 के नाम से चढ़ जा चुके हैं, डी सी पी भाई को देखना होगा भाई वहाँ पर नोक डालेंगे अपने एक्वा जैक भाई को, फिलहाल देखना एक्वा जैक भाई मेरे से नोक डाल सकते हैं अपने डी सी पी देंगे। तो फिलहाल देख लिया जाए रेड मोहन भाई ने यहाँ पर जो डीसी भाई को फिनिश कर दिया था। सामने देखना हाइड्रा की टीम सर्कल के अंदर भाई यहाँ पर आती है, वापस भाई देखना जो मेरे गाजन की टीम काम से किलशॉट के पहले भाई यहाँ पर बैठे हुए, टीएसएफ की टीम को सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, वो भाई और टीम सर्कल के अंदर पहले से बैठी है। सामने देखना काफी कुछ और ब्राउन पीछे के भी एक भाई टीम नाम काफी ज्यादा क्लोज है, तो मेरे यहाँ पर देखना रेड मोहन भाई नो कुछ के रेड मोहन भाई एक्वा की टीम का सामने देखना रेड अकल भाई वहाँ पर देख लिया एक्वा जगह भाई को वहाँ पर नो किया गया, रेड अकल एक तरफ से मेरा बड़े यहाँ पर फिंच हो चुके हैं। सामने देखना अपने एक्वा गोकू भाई सर्कल के अंदर आते हैं, रेड अकल भाई का उनको स्प्रे देंगे, तो फिलहाल देखना रेड अकल आपकी टीम होते हैं। सामने का काफी कड़क ग्रेनेड आता है और बड़े यहाँ पर रेड अकल भाई आपको फिंच होते हैं, टी एस एल जो भाई स्नैक्स और की टीम का थे वहाँ पर उनको नोक वगैरह किया गया, जो भाई टीम 12 के नाम से एक साइड भाई स्नैक्स और जो विश्व भाई दो टीम भाई नोक किया गया, और यहाँ पर देखना डायरेक्टिंग भाई वहाँ पर एक साइड से डार्क शोल भाई की तरफ से नोक किया गया, वहाँ पर देख डायरेक्टिंग को पीछे जाएगा। सामने देखा भाई यहाँ पर पास बचे हैं दो टीम हमसे आप बचे हैं, पीछे से उनके टीम का भाई यहाँ पर आते हुए जहाँ तक मुझे लगता है फिनिक्स भाई साइड जाते हैं अपने टीम आपसे, मेरे यहाँ पर स्मूथ पहले आई रिवाइव देना चाहेंगे टैरिक की भाई एक साइड से नोक पड़े, तो फिलहाल देखा रोहतराज भाई अपने टीम आपसे सामने आते हैं टैंक आउट करवा देखा टीम का फिलहाल देखा अपने डार्क शोल भाई को नोक किया गया, रोहतराज की तरफ से अपनी टीम के भाई आप फिनिक्स अकेले बचे हैं और फिनिक्स के ऊपर काफी कड़ा नेड आता है उनके बने यहाँ पर बचते हुए फिनिक्स, वापस मेरे का जो भी शेड यहाँ पर नेड वगैरह करना चाहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है अपने टीम आम्स के ऊपर वहाँ पर स्मोक करते हैं, और मैं कहता हूँ पर हील वगैरह करके वो टीम का फाइनल करना चाहेंगे, जहाँ पर देख लिया जो कि अपने फिनिक्स यहाँ पर हील वगैरह कर चुके हैं वो टीम के आम्स, बाकी देखना होगा यहाँ पर टीम के जो कि अजर भाई यहाँ पर एक सर्च नोक करते हैं टीम आम्स को, जो मेरे कहते रॉयल भाई और टीम के आम्स को भाई नोक किया गया, रॉयल जीशान और वो भाई दोनों टीम आम्स को भाई यहाँ पर फिनिश करते हैं अपने अजर, देखना हो भाई क्या कुछ कर पाते हैं वो टीम के आम्स, बाकी देखना वहाँ पर उनके टीम के आम्स जो वहाँ पर क्या कुछ कर पाते हैं जो भाई अपने टीम उनके आम्स है यहाँ पर 21 के आम्स उनको भाई देखना होगा यहाँ पर टीम 21 का टीम ऑफ 5 के काफी ज्यादा क्लोज भाई विश्व भाई को भी यहाँ पर फिनिश करते हैं। सामने देखा टीम फिनिश यहाँ पर अकेले बचे सामने देखा गया टीम 9 के आम्स हमारे सर्जन को हैं काफी कुछ हाइड्रा अमित भाई टीम 14 के आम्स हमारे सर्जन को हैं, देखना भाई क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम का बड़े जी यहाँ पर फिंच वगैरह कर चुके हैं अपने काली कुछ यहाँ पर ब्राउन कुछ दोनों टीम आपको फिंच कर चुके हैं, बाकी से भाई चलो गाना है क्वाकेटिंग ग्राउंड से अपना पड़े हैं अमित भाई को सर को अंदर आना पड़ेगा किल शॉट की टीम ग्राउंड से अब तक आई है। सामने देखना मैं क्या जो अपने टीम ऑफ फाइव के हम काली कुत्ते और ब्राउन कुत्ते काफी ज्यादा क्लोज है, मैं भाई वो फुट भी उन्हें नहीं दे रहे हैं, और मेरे ख्याल यहाँ पर अगर वोटिंग के अंदर उनके पास जाते हैं तो वोटिंग का मेरे ख्याल उनको फिनिश कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, बड़े इजी वहाँ पर उनको फिनिश करेंगे जहाँ वोटिंग के अंदर उनके घर के अंदर जाना चाहेंगे। सामने देखना टी एस एफ फिनिक वैसे करते फिंच करते हैं, सामने देखना अपने ब्राउन को यहाँ पर जाते हैं टीम फाइव के घर के अंदर भाई जा चुके हैं। सामने देखो मैं कहता हूँ पर मैक भाई को नोक किया गया, अजर भाई अपनी टीम को फॉलो करते हैं मैक भाई, सामने देखना मैं कहता हूँ टीम का टीम फाइव के हम तो यहाँ पर उनको देखना होगा वो फुट वगैरह भाई वहाँ पर दे चुके हैं कार्ड को ब्राउन को और वहाँ पर देखना मैं कहता हूँ
लगता है और एक और टीम हम वहाँ पर मारते हैं 6 किल भाई अकेले यहाँ पर कर चुके हैं। वो टीम का है बड़े इजी मतलब काफी कड़ा खेलता है अपने काली कुतिया वहाँ पर देखना होगा और उनकी टीम का अपने किल शॉट अजर है वहाँ पर उनको देखना होगा। अपने किल शॉट अजर बच्चे अपनी टीम से यहाँ पर 16 बच्चे हैं को अमित भाई अपनी टीम से 16 बच्चे हैं मतलब भाई सामने दो टीमें और बचे हैं काली कुतिया और ब्राउन कुतिया। सामने देखो भाई अगर काली कुतिया वहाँ पर किल करके जाती है तो भाई उनके यहाँ पर किल देख लिया भाई यहाँ पर उनके टीम के भाई 1 किल भाई जो कि उनके जोय बॉय का है 6 किल भाई उनके हैं 7 किल भाई कर रखे हैं 2 किल करने के बाद 9 हो जाएंगे तो फिलहाल देखना होगा। और भाई उनके टीम के जो कि अजर भाई हैं वहाँ पर देखना होगा लेकिन भाई सर्कल नहीं है लेकिन अजर भाई के पास सर्कल है लेकिन पीछे भाई उनके एक्वा अमित भाई भी हैं तो मेरे ख्याल से एक्वा अमित भाई उनको स्प्रे कहता है एक्वा अमित भाई उनको स्प्रे देंगे और बड़े जिले भाई उनको भाई उनका किस्सा यहाँ पर खत्म हो चुका है अपनी किल टीम का 5 किल भाई अपनी जो भाई की टीम के अमित भाई वहाँ पर किए गए हैं। सामने काली कुतिया और ब्राउन कुतिया वहाँ पर बैठे हैं और मेरे जो कि अपने एक्वा की टीम के आंसर उनके पास भाई सर्कल नहीं है एक्वा की टीम के आंसर भाई सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल सामने वाले पत्थर भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत सर्कल के अंदर जा सकते हैं लेकिन भाई पूरा सर्कल के अंदर नहीं जाएंगे। सामने देखो भाई क्या कुछ कर पाएंगे क्या भाई वहाँ पर स्प्रे देंगे जहाँ पर एक साइड काली कुतिया ने काफी कट स्प्रे एक साइड दिया गया था वहाँ पर हील अप करना चाहेंगे। उसके बाद मेरे थोड़ा आगे जाना चाहेंगे भाई सर्कल 17 मीटर आगे भाई सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा तो फिलहाल देखो क्या भाई सर्कल के अंदर यूज कर पाएंगे यहाँ सर्कल के अंदर लेकिन नहीं भाई काली कुतिया वहाँ पर उनको भाई लेकर जाते हैं 7 किल भाई अकेले अपने काली कुतिया और ब्राउन कुतिया यहाँ पर देखना भाई 8 किल करके वो टीम भाई चिकन लेकर ले जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन वेल प्लेड भाई सभी टीमों के लिए मिलता हूँ कल की स्ट्रीम में तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।